वैलेंटाइन से आने वाला है, क्या आपने अपने वैलेंटाइन के लिए कुछ तैयारी की है? आप क्या खिला रहे हैं उन्हें इम्प्रेस करने के लिए? अगर आपने अभी तक ये तैयारी नहीं करी है तो आप मेरी वाली पैटीज बनाइए, जो मैं आपको बताऊंगी कैसे बनानी है। अगर आप अपने वैलेंटाइन के लिए ये पैटीज बनाएंगे तो ये उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और वो बहुत इम्प्रेस होंगे। तो आइए मेरे साथ मेरी इस खट्टी मीठी रसोई में इसे बनाने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं? तो आ जाइए। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए किडनी बीन यानी राजमा चाहिए, रेड वाले राजमा चाहिए हमें। इसे हम अच्छी तरह से धो करके सोख होने रखेंगे 4 से 5 घंटे के लिए। आप चाहो तो आप इसे रात को भी भिगो के रख सकते हैं और सुबह ये बना लीजिए। इसे मैंने 3 से 4 सीटी लगा करके उबाल लिया है और उसे एक छन्नी में निकाल करके उसका सारा एक्सेस पानी जो है वो निकाल दिया है। अगर आप इसका पानी नहीं निचोड़ेंगे तो राजमा सारा पानी जो है वो पी लेगा और इससे हमारी पैटीज जो बनाएंगे वो ढीली बनेगी। तो आप इसको एक छन्नी में निकाल करके आप रख दीजिए इसको सारा पानी निकलने के लिए। और इसके लिए हमें पैटीज बनाने के लिए चाहिए हमें ओट्स, मशरूम, कॉर्न्स चाहिए और हमें चाहिए शिमला मिर्च, अनियन और हमें चाहिए बीटरूट और हमें चाहिए अदरक और हरी मिर्च, कोरिएंडर, ये सब चीजें हमें चाहिए। अब मैं मशरूम को एक चॉपर में डाल करके बारीक चॉप कर लूंगी। मैं इसे रफ चॉपर में डाल रही हूँ, आप चाहो तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं दरदरा। बहुत बारीक नहीं करना, अगर आप मिक्सी में कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना, उसको हल्का सा बस दरदरा करना है। और इसको एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। और अब इधर मैं ले रही हूँ अपनी अदरक, लहसुन और ग्रीन चिल्ली और कैप्सिकम ले रही हूँ, इनको भी अच्छे से चॉप कर लेंगे। 4 से 5 मैंने हरी मिर्च ली है और एक छोटा बीटरूट का लिया है और एक लिया है मैंने अनियन और हाफ लिया मैंने कैप्सिकम और 5 से 6 कलियां ली हैं लहसुन की। देखिए ऐसे बारीक कर लीजिए, इसको भी हम उसमें डाल लेंगे, अपने बाउल में निकाल लेंगे जिसमें हमने मशरूम डाले थे। अब इसमें कॉर्न करेंगे हम, ये स्वीट कॉर्न है, ये मेरे फ्रोजन है, आप चाहो तो फ्रेश भी ले सकते हो। अब कोरिएंडर डालेंगे इसमें, और लिए हैं हमने उबले हुए राजमा, ये 1 कटोरी के करीब है हमारे राजमा, इसको भी अच्छे से चॉप कर लेंगे। इसमें इसको अच्छी तरह से हमें करना है, ये देखिए हमारा ये बिल्कुल अच्छे से चॉप हो गए हैं। अब ये देखिए हमारी सब्जियों ने सारा पानी जो है वो छोड़ दिया है और अब इस सारे पानी को हम निकाल लेंगे। एक स्ट्रेनर में डाल के आप सारा पानी निकाल करके अच्छी तरह से दबा दबा के पानी निकाल लीजिए। और अब ये ओट्स हैं, इसे हम अच्छे से पीसेंगे, ये 1 कटोरी के करीब ओट्स हैं, इसको हम अब पीस लेंगे अच्छे से। और ये जो हमने पहले मिक्सचर बनाया था राजमा का और कॉर्न का, ये वाला मिक्सचर अब इसमें हम मिला लेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, मैंने डाला है गरम मसाला, चिली फ्लेक्स,
रेड चिली पाउडर, और इसमें हमने ये या तो आप किचन किंग ले लीजिए या मैजिक मसाला ले लीजिए, दोनों में से कोई भी एक डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और नमक डाला है और इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी काली मिर्च और अमचूर पाउडर और कोरिएंडर पाउडर और जीरा पाउडर डाला है। अब थोड़ा सा डालेंगे इसमें ओरिगैनो, और अब इसमें जो हमने ओट्स का पाउडर बनाया था वो मिक्स करेंगे। धीरे धीरे डालेंगे जितनी ज़रूरत हो, अच्छे से बाइंडिंग हो जाए तब डालेंगे, उतना ही डालेंगे। अगर आपका मिक्सचर बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया है तो आप इसमें डाल सकते हैं ब्रेड क्रम्स। अब इसमें 2 चम्मच के करीब मैंने डाला है ऑयल, इससे अंदर से बहुत अच्छी क्रिस्पी बनेंगी। और अब हम पहले थोड़ा सा देख लेंगे हमारा जो है ये मिक्सचर सही है या नहीं। थोड़ा सा हमने देखा तो थोड़ा पतला लग रहा है, तो इसमें मिक्स करेंगे हम ओट्स, ओट्स का पाउडर और मिक्स किया है मैंने, आप कॉर्नफ्लोर भी मिक्स कर सकते हैं। अब हम थोड़े से मिक्सचर को लेंगे और इसको पैटीज का रूप देंगे। पहले एक पैटी बना के देख लेंगे हम सही से हमारी बन रही है। अब सभी पैटीज को बना करके एक प्लेट में रख देंगे और फिर इसे 1 घंटे या आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये अच्छे से सेट हो जाती है तो थोड़ी टाइट हो जाती है, तो बनाने में इजी ज़्यादा हो जाती है। अब आधे घंटे बाद हम फ्रिज में से निकाल करके अपनी पैटी को तलेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और मीडियम हीट रखेंगे और एक एक करके अपनी पैटीज डाल करके इसको फ्राई कर लेंगे। चाहो तो आप शैलो फ्राई कर सकते हैं, चाहो तो इसको तल सकते हैं अच्छे से। तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए, नहीं तो इसमें झाग झाग आने लग जाएंगे और हमारी पैटी जो है वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। तो आप ध्यान रखिए जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तभी आप डालिए, ठंडे में नहीं डालेंगे। जब एक साइड से अच्छे से ये सिक जाएगी तो इसको पलट लेंगे, दोनों साइडों से अच्छी तरह से सेकेंगे। अब ये दोनों साइड से अच्छे से सिक गई है, इसको अब हम निकाल लेंगे अपनी प्लेट में। आप नैपकिन डाल लीजिए ताकि इसमें जितना भी ऑयल है सब निकल आए। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे हम मेयोनीज और डालेंगे हम इसमें हॉट चिली सॉस, टमाटो केचप, और टमाटो प्यूरी, और इसमें हमने डाले हैं इंग्लिश मस्टर्ड सॉस। अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो आप डाल लीजिए,
नहीं तो इसको व्हाइट भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा हमने डाला है विनेगर, ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट और पेपर डाला है, ब्लैक पेपर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब एक पैन गर्म करेंगे और उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ये गोल कटी हुई हम इसमें अनियन लेंगे और इसको हम कैरेमलाइज करेंगे। सभी अनियन को कर लेंगे हम। थोड़ी सी इसमें हम डाल रहे हैं सोया सॉस। थोड़ी सी इसमें चीनी डालेंगे या आप हनी भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से कैरमलाइज करेंगे। बर्गर में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी सी हम इसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल रहे हैं। ये हमारे तैयार हो गए हैं कैरमलाइज अनियन, इसको एक साइड रखेंगे। और अब एक ग्रिल पैन लेंगे, उसके अंदर हम ये अपनी ब्रेड रखेंगे और इसमें बटर लगा करके अच्छी तरह से इसको सेकेंगे। आप बर्गर भी ले सकते हैं, जो आपको मिल जाए आसानी से वही ले सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे ये सिक गए हैं। थोड़े से अच्छे से इसको सेकेंगे और अब जो हमने स्प्रेड तैयार की थी वो लगा देंगे, दोनों में लगाएंगे। इसको अच्छे से लगा करके इसको एक प्लेट में ले लेंगे। और अब लगाएंगे लेटस लीव्स या सलाद पत्ता और उसके ऊपर लगाएंगे हम अपनी पैटीज, कैरेमलाइज अनियन, थोड़ी सी स्लाइस लगाएंगे टोमेटोज की। आप ककुम्बर भी लगा सकते हैं, अपनी पसंद की कोई भी चीज लगा सकते हैं। चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर, सॉल्ट थोड़ा सा डालेंगे और तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी। लीजिए, बना लिया है मैंने अपनी वैलेंटाइन के लिए बहुत ही बढ़िया ये सैंडविच। अब देखते हैं उसे पसंद आता है कि नहीं और मेरी वैलेंटाइन इसके लिए क्या बोलती है। चलिए चलते हैं उसके पास। Incredible. The savor of mushroom, chilies, spices are perfectly blended. It's so, so yummy. Try it now for your Valentine and do let us know in the comment section below. मुझे तो मेरी वैलेंटाइन ने अच्छे से इम्प्रेस कर दिया। क्या आपकी वैलेंटाइन ने आपको किया? जाइए और अभी इसको ट्राई कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी दूसरे तरीके से कि आप दूसरे तरीके से इसे कैसे सर्व कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सलाद तैयार किया है, इसकी रेसिपी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले एक मैंने लिया है सलाद पत्ता, उसके ऊपर अपनी पैटी रखी है और उसके ऊपर डाला है मैंने जो सलाद तैयार किया था वो डाला है। अब इसे टेस्ट करके देखते हैं ये कैसा लग रहा है। वाओ, ये तो और भी ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में।
आप भी बनाइए और अपने वैलेंटाइन को खुश कीजिए। मेरी वैलेंटाइन तो इसे खा के बहुत खुश हुई और उसे बहुत पसंद आया। तो आप भी बनाइए और बताइए मुझे आपको एक रेसिपी कैसी लगी। फिर हम मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। मैंने तो अपनी वैलेंटाइन को कर लिया इम्प्रेस, तो क्या आप भी इम्प्रेस करने की सोच रहे हैं? तो आप ये रेसिपी बना लीजिए, वो 100% इम्प्रेस होएगी आपसे। और आप भी बनाइए वैलेंटाइन डे अपनी बेटी के साथ, अपने किसी वैलेंटाइन के साथ। फिर हम मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। बाय। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। बाय।